डाली डाली फूलों। तो हेलो फ्रेंड्स, आज एक और व्लॉग आ गया मस्त सा उत्तराखंड का। तो अभी हम सुबह के 10:30 बज रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं, ये पहले हटा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? पंदेर जा रहे हैं, पंदेर जा रहे हैं। और वहाँ से ना बहुत दिनों से हम गए नहीं है, मतलब मैं क्या ये लोग नहीं गए क्योंकि सामने पानी आ गया है ना, तो अब वहाँ जाते नहीं है। और आजकल पानी आ नहीं रहा है, कुछ टूट गया ऊपर से तो बंद है। तो आज हम जा रहे हैं और मस्त मस्त व्यू दिखाएंगे आप लोगों को। देखो रेशमा, और इसका भी व्लॉग का चैनल है, मेरा व्लॉग का चैनल है अंकी पहाड़ी, डिस्क्रिप्शन में डाल देगा है, आप लोग सब सब्सक्राइब कर देना उसको, ठीक है? जाके देख लेना, ये भी देहरादून के और गढ़वाल के व्लॉग बनाता है। सो अभी आगे चलते हैं। देखो ऐसा कुछ रास्ता है, यहाँ से ऐसा जाना पड़ता है हमें, देखो नीचे कुछ है। और मैं तो भाई सीधा नीचे जाया, वही तो कोई गिरा सीधा नीचे, फोन टाइट पकड़ लेता। अरे यार, कम से कम कितने साल बाद जा रहे हूँ इधर से, मेरे को कितने हुए? लाइक 1-2 साल नहीं भाई, पुजाई जब पूजा हुई थी ना तो 4-5 साल हो गए ना, 4-5 साल बाद मैं इस रास्ते आ रहा हूँ। ये देखो नीचे सीधा जाएंगे, ये रास्ता है। भाई चलो, और जिधर हम जा रहे हैं ना उधर के बारे में बता दे आप लोगों को, वहाँ ना बता क्या होता है वहाँ भाई, बाघ और भी जानवर आते क्योंकि वो पानी है ना, वहाँ पे पानी का सेंटर है, पानी का इलाका है वहाँ पे, पानी पीने के लिए आते हैं तो साले खा खू के जानवरों का पानी पीने उधर आते हैं। और मेरा ध्यान देखो, इधर नीचे से ध्यान से चलना पड़ेगा यार, रास्ता बहुत ही कठिनाईदायक है। अब ये देखो डाली डाली फूलों की, ये जाते थे क्योंकि मैं तो इतना रहा नहीं हूँ गांव में, और ये रहता था बचपन में, हम नीचे गाय चुगाने जाते थे। वो देखो वहाँ की बात कर रहा है, उधर की हमारे खेत नीचे पहले थे खेत, अब तो ये है कि अब तो सामने ही नहीं जा रहा, अब तो यहाँ भी छोड़ दिया इतने सामने। अब तो बताओ, अब थोड़ा ये भी हो गया ना कि यहाँ से बहुत जने चले भी गए, कोई शहर चले गया है ना, क्योंकि प्लान कर लिया कल कितना महीने, और जानवर आ चुके हैं बहुत नजदीक नजदीक गांव में, हमला कर रहे हैं जानवर इसके लिए, इस वजह से चले। और जहाँ हम जा रहे हैं ना वहाँ भी अब बहुत जने नहीं जाते इसी वजह से, क्योंकि पानी भी आ गया घर पे और ऊपर से जानवर भी बहुत हो चुके हैं इधर, तो थोड़ा स्कैरी इलाका है। बट यहाँ का ना छोटी से छोटी चीज़ लाने के लिए ना स्ट्रगल करना पड़ता बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पास में कुछ चीज़ नहीं मिलेगी आपको, कुछ भी नहीं, ऐसे रास्ते चढ़ के जाना पड़ेगा। तो आए देखो, अभी ये भी ऐसा ले जाएगा, ये तो फिर भी अभी बहुत टाइम बाद ये खुद गढ़वाल आ रहा है, ये पहले यही रहता था, देहरादून में चले गया ना, मेरे खुद हालत खराब हो रही है। तो ये 4-5 महीने हो गए ना तेरे को, 4-5 महीने में खुद भूल गया कि भाई इसका सब भारी लग रहा है, वरना ये पहले ना 50-50 किलो रख के ना मार्केट, इतनी कितनी किलोमीटर है वहाँ यहाँ से, 3 किलोमीटर मार्केट से 50 किलो का उठा के लाता था कंधे पर पैदल, वो भी बताओ अब मेरे से 10 किलो ने उठाया जा रहा। और ये भी अब 4-5 महीने के लिए चले गया। यहाँ पे मेरे को बाघ दिखा था, यहाँ पे देखो भाई साहब, 1 बजे मेरे को यहाँ पे बाघ दिखा था, उसके साथ मेरे बहुत भयंकर लड़ाई, रियलिटी में इसको दिखा था और उसको भी दिखा था बेचारी, वो जा रही है। कोई बात नहीं, हमारे साथ दो पहाड़ी लोग जा रहे हैं, मैं भी पहाड़ियों पर, ये नहीं डरता, ये रात को भी कहीं भी अकेला चले जाता है, और हमारा तो हल्का सी पौधा हिल जाए सामने से तो डर जाते हैं। थक गए यार, चलते चलते बस ये रहा सामने, सब आने वाला है, और आगे मंदिर भी है ना, हाँ भोलेनाथ का मंदिर है, हाँ तो उधर भी चलेंगे। ये देखो बड़ा गाना आ चुका है भाई, भगवान अबे भयंकर, चलो भैया भाई साहब, यहाँ का नेचुरली पानी आता रहता है, कभी बंद नहीं होता यहाँ का पानी, कभी भी नहीं, सदा बाहर ऐसे ही चलता रहता है। देखो ये देखो, और ये बंद कर दिया, इधर भी था ऐसा, था ना ऐसा, इधर भी था, अब यहाँ इधर बंद कर दिया, अब ये है, और वो रहा देखो मंदिर, अभी वहाँ भी जाएंगे। वैसे तो बहुत सारे मंदिर हैं इधर, बट हमारे घर के सामने एक ये रहा, और ये देखो यहाँ जाता है ये पानी, इधर जाता है पानी, और अभी वहाँ क्योंकि पानी आ नहीं रहा है तो ये यहाँ कपड़े वपड़े धोएंगे,
ये रहा। अबे यार इससे बढ़िया नहा ही लेते हैं, ठंडा पानी होगा है, ठंडा गर्म है। अच्छा तो कुछ दो शब्द बोलना चाहोगे गढ़वाली में? कुछ तो सो भाइयों ये देखो, बहुत से लोगों को पता होगा और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, ये ना येरी सॉरी, ये जिसमें जो छोटे छोटे कांटे 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 जैसे दिख रहे ना, इसको बोलते हैं कंडेली। और भाई इसमें अगर गलती से भी हाथ लग गया ना तो ऐसा तगड़ा करंट लगता है ना, ऐसे हाथ झनझना जाता है पूरा। और सोचो जब मेरे को ये चीज पता नहीं थी ना, मैं बचपन में आया था यहाँ पे, तो यहाँ बैट बॉल खेलते थे है ना, पूरे गर्मियों की छुट्टी में आते थे एक एक महीने के लिए, तो मुझे पता नहीं था। और इसका गुच्छा था खूब सारा है ना, और वहाँ बॉल चली गई। और इन लोगों को तो पता था कि ये तुझे पता था, तू था ना, हाँ इन लोगों को तो पता था वो कंडेली। और मेरे को भेज दिया कि उसके अंदर से बॉल लेके आओ, और मैं सीधा उसके अंदर जाके घुस गया, हाथ उठा मैंने पूरे हाथ पैर में इतना तेज झनझन 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 होने लग गया। फिर सरसों का तेल लगा के मालिश करी थी, सोचो हफ्ते तक झंझनाहट नहीं जाएगी तुम्हारी, रैपिड रिलीफ, झंझनाहट से जल्दी राहत पाए। 440 वोल्ट का छूते ही बहुत तेज लगता है, वोल्ट का झटका लगेगा तुमको। अभी यहाँ भोलेनाथ का मंदिर अभी जाएंगे, जय भोलेनाथ। लाइनला फटाफट तोड़ यहाँ ना, गर्मियों में ना, गर्मियों में बहुत ठंडा पानी आता है ना, और ठंडियों में गर्म पानी आता है। नहीं तो गर्म है, गर्म है भाई। और पता है सर्दियों में इतना ठंडा पानी आता है ना, फ्रिज फेल, ये रियलिटी है भाई। गर्मियों में ऐसा आता है कि फ्रिज के बराबर, वही तो इतना ठंडा पानी आता है और बाहर से आता है ना। ये आता है ऊपर सुरकेत के ऊपर है, फील्ड दिखाऊंगा मैं तुम्हें कल अगर मार्केट जाएंगे तो, वहाँ के ऊपर बांध का जंगल है पूरा, वहाँ से आता है पानी। तुम लगा नहीं सकते कि वहाँ से यहाँ कैसे आता है पानी, बताओ। ये कुदरती है, ये कभी बंद नहीं होगा, यही तो है हमारे उत्तराखंड की खूबी, देवभूमि। क्या वही तो यहाँ पे ना, पता है ये वाले में ऐसा ही था सेम, इधर भी था पर उधर बहुत थोड़ा थोड़ा पानी आता था। अरे इन्होंने बहुत चेंज कर दिया, मैं खुद आया उतने टाइम बाद। और ये देखो यहाँ है ना, खोल के दिखाता हूँ, ये देखो ये क्या, अभी ये तो सूखा पड़ा है पूरा। यहाँ से भी पानी आता था पहले, यहाँ जब हम पिछले बजे आए थे ना 4-5 साल पहले, तो यहाँ से भी पानी आता था, पूरा सूखा पड़ा है। इसको बंद कर देते हैं। पता क्या कर दिया, मैं बताता हूँ तुमको, पता क्या किया गांव वालों ने, यहाँ का पानी गांव में ले गए, पाइपों को धारो देख लो, बड़े बड़े मोटे मोटे पाइप यहाँ पे वहाँ ले जा रहे हैं, जो कि ये कुदरती है हमारा पंजा, ये इसके साथ छेड़छाड़ी कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से कुछ अगर ऐसे करते रहे तो ये सीमेंट पूरा पानी सोख लेगा, वही बंद हो जाएगा कुछ सालों में, ये चीज नहीं समझ रहे ना। वही तो भाई, इसको ज्यादा पता है क्योंकि ये यहीं का बचपन, इसका पला बड़ा है, इसको सब पता से पहाड़ी है। बस अभी 4-5 महीने पहले ही देहरादून, चलो कपड़े धोएंगे, हम कपड़े धोएंगे क्योंकि मेरे को चबोटा कर जाना, हाँ मार्केट भी जाना है इनको, यार ऐसे में तो नहीं हो पाएगा। स्ट्रगल है यहाँ पे बहुत ज्यादा, स्ट्रगल छोड़े से देख के जो बदले महान भाई। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे ऐसी कुछ, तो ये लोग ये बोल रही है रेशमा कि यहाँ पे ना ब्लैक पैंथर भी आ गया है, वकांडा से यहाँ पे आ सकते हो, वाइब्रेनियम लिए इससे मुलाकात करने आया था। और क्या कह रही है, और कौन आया था, आदिमानव जैसा है, मतलब एक जानवर जिसका मुंह भेड़िया जैसा है और पूरा इंसान जैसा शरीर, बताओ। और ये मजाक वाली बात नहीं है, कई दिन तुम सोच रहे हो आ गई अब गांव में, बहुत से लोगों ने कह रहे देखा भी है, मतलब जैसे जैसे गांव से लोग प्लान कर रहे हैं बाहर के शहर की ओर, तो वैसे वैसे जंगली जानवर और ज्यादा ज्यादा आ रहे हैं, दिख रहे नए नए कि मतलब वो गांव की तरफ बढ़ रहे हैं अब। हाँ क्योंकि यहाँ तो डर हो रहा है, हाँ यहाँ पे खाली हो चुका है ना, पूरे लोग यहाँ से जा चुके हैं, तो लोग ही कम रह गए, तो अब जानवर ही रहेंगे भाई साहब। अब गांव के लोगों के लिए मतलब जो जा रहे हैं बाहर प्लान कर रहे हैं वो तो सही है, और जो यहाँ है बसे, मतलब जैसे हम हैं, हमारे भी घर है, मेरे मम्मी पापा दीदी वो लोग रहते हैं, चाचा लोग रहते हैं, तो इनको लिए मतलब हमारा घर तो
वो देखो वाइट वाइट बोरा छोटा सा दिख रहा होगा तो बोरा सारा वो कर दूंगा मैं। तो मतलब हमारा घर ऐसा है कि जंगल है इधर साइड को, तो उधर से मतलब गांव थोड़ा सा उधर को है, हमारा घर थोड़ा इधर को है, तो डर भी ऐसा रहता है कि जंगली जानवर ना आए कहीं मतलब वहां पे, क्योंकि वहां पे अंधेरा रहता है, लोग भी नहीं इतने ज्यादा। और ना भाई कल की बात ही बता देता हूँ मैं तुम्हें, कल ना हम ऐसी कितना टाइम हो रहा था उस टाइम जब तू आया था कि साबू के घर से हो रहा था छह साढ़े छह ऐसे कुछ बज रहे थे, हम बाहर बैठ के आग सेक रहे थे, तो ये दोस्त के घर गया था अपने, अंधेरा तो हो ही जाता है, रात हो जाती है यहाँ, और यहाँ इतना सुनसान रहता है, और हमारे सामने डॉगी बैठा था कुत्ता, उसका नाम है कालू, और वो सो रहा था उधर, अचानक से उठ के भगा गेट की तरफ और भाई जंगल की तरफ देख के भागने लग गया तेज, वो करके कर। और भाई हमारे डर के ऐसे तैसी हो गई, हम सोच रहे क्या आ गया और कंटिन्यू भागता गया उधर की तरफ, फिर वो चुप ही नहीं हुआ, और फिर मेरे को पता चला यहाँ से गांव के लोगों से मामा और से पता चला कि भाई कुत्ते में ना ज़्यादा वो आता है, कुत्ते का फेवरेट डिश है, मतलब बाघ का फेवरेट डिश है कुत्ता, उन कहते हैं कि उसकी तो वो हड्डी भी नहीं छोड़ता, पूरा खा जाता है। छोड़ो यार अब बात की बातें नहीं करते, यहाँ वैसे हम आए हैं ट्रैक नहीं, कुछ नहीं होता, हम नहीं डरते। पहले ऐसा होता था कि मैं अब तो जैसे रात को आया मैं इस वक्त जब गया बाहर गया तो रात को आया तो हम पहले जब मैं गांव में था तो तब भी हम ऐसे आते थे रात को 8-9 बजे पहुँचते थे हम घर पे, तो लेकिन जैसे मैं कल आया तो मम्मी पापा और कह रहे कि अब पहले जैसे नहीं रहा, हम बताइए है ना। हाँ सही बात है भाई, हम नहीं रहा पहले जैसे, जैसे ये बोल रही कि ब्लैक पैंथर दिख गया यहीं पे, बाघ दिख गया मुंह के आगे, भले मैंने मुंह के आगे खुद अपने मुंह के आगे फेस टू फेस देख रखा है, पर भाई इसने तो इसने तो जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और ये यहाँ बैठा है, ऐसे ऐसे इसके सामने ही आ गया था बाघ भाई। हाँ और इसको सही में मजाक मत समझना भाई, उत्तराखंड में भाई ऐसे ही है अभी, सब जगह तो नहीं कह सकते, बस कुछ कुछ इलाके होते, गांव होते हैं, अब कहीं कहीं ज्यादा लोग होंगे कहीं कहीं कम लोग होंगे, अब भाभी क्या बोले अब। अरे वो देखो एक और आइए, एक और आ गई है, इंतजार था वो देखो। एक बार बेकार थी यहाँ पे, मतलब बाघ ने एक बंद है ना कुत्ता, हाँ यहाँ पागल हो गया था, काट रहा था सबको, हाँ बता ये का तो करना चाहिए तो मतलब वही भी फोटो नहीं खेच रहा, स्ट्रगल दिखा रहा हूँ मैं, स्ट्रगल गाँव का एक बजे बाद सोंडल गांव की रानू मंडल, अरे हाँ ये बहुत ज्यादा बेइज्जती मारती रहती है। क्या गाना था? गाना गाना थोड़ा तेरी तेरी मेरी, अरे इनका स्ट्रगल बताऊं तुमको, मेरा तो कुछ ही नहीं है, एक बार बाघ आया और बाघ ने इनकी बछड़ी को पकड़ लिया उधर से, इन्होंने इधर से पकड़ा बछड़ी को, उधर से बाघ खींच रहे थे सही में भयंकर, ऐसा खतरनाक है ये, नहीं डरते ये मेरे से, भयंकर है भाई भाई देख लो, यहाँ पे वो लगा दूंगा या वुमेन दिल्ली से, हमारे गांव के सोंडल गांव के प्लेयर है। पर भाई तुम इस हम मजाक में बोल रहे तो इसको मजाक में मत समझना, रियलिटी बात है भाई, मजाक में मत समझना, पूछ लो उनसे, खुद पूछ लो, हम तो अभी पैदा हुए हैं, ये तो मतलब इनका प्यार ही सी बछड़ी थी, इन बहुत प्यार करते थे उससे, तो बाघ उस पे अटैक किया बाघ ने, पर इन्होंने भी उसको पकड़ दिया बछड़ी को, एक तरफ ये खींच रहे भाई आते हैं। पर एक चीज तो है भाई, जो चीज जितनी खूबसूरत होती है ना उतनी खतरनाक भी होती है, अब ये देखो दिखने में तो खूबसूरत है लेकिन रास्ता देखो, हल्का सी पैर नीचे हुआ तो सीधा तुम्हारी चपाती बनती हुई नजर आएगी। हाँ
एक और किस्सा भी है, वो एक और किस्सा भी बताएंगे आप लोगों को। फ्रेंड्स अब ऊपर जा रहे हैं मंदिर में, थोड़ा सी हाथ पाथ धो लिया हमने। जय बद्रीनाथ, जय भोलेनाथ, मेरा ड्रीम प्लेस है भाई केदारनाथ यार। चलो साथ बोलेंगे, यहाँ उतार दो। ये गाइस ये है जिन्होंने मंदिर बनाई है, उनके दादाजी की अस्थि, ये उनकी समाधि। ये रहा यहाँ पे यज्ञ कराते हैं जब, मतलब यहाँ का स्थापना का पूजा होती है यहाँ पे कराते हैं। ये बोलते हैं कि भोलेनाथ के पैर छूने से पहले नंदी भगवान के पैर छूने चाहिए। जय भोलेनाथ। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के उड़ के उड़नी वादियां। ये गाइस यहाँ का मंदिर भोलेनाथ का हमारा, अरे हमारे गांव का मतलब बिल्कुल पास है यहाँ से। देखो तुम सीनरी क्या मस्त आ रही है, व्यू देखो। यहाँ वैसे बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत यहाँ ऊपर भी है। अभी हम जाएंगे, अभी तो टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि गांव में काम हो रहा है बहुत ज़्यादा घर पे, तो कल मिलेगा टाइम तो कल दिखाऊंगा मैं तुमको अपना पहाड़ बिल्कुल बढ़िया से। इसको पता है जगह, ये दिखाएगा मुझे, लिंक डाल दूंगा, जितने जने भी देखे मेरे उससे देख लेना बिल्कुल। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर जरूर। और यहाँ से देखो महाकाल के मार दो। अरे ये हमारा पंदेर है, यहाँ पे दीदी देखो कपड़े धो रही है अभी, अकेले अकेले यहाँ पे। कसम से तुमको लग रहा होगा कि किस जंगल में आ रखे ये बीच में। मस्त है यार, कुछ भी कहो, बस दिक्कत एक चीज की है, अगर चीजें सामने आ जाए ना तो ठीक है, मतलब थोड़ी सी छोटी चीज के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है ना। हाँ वो चीज सॉल्व हो जाए, लाइट की रास्ता बस दिख रहा होगा आपको, ये होती है पलकुन। तो जैसे बोलते हैं ना बाहर के लोग बोलते हैं हमको कि हम पहाड़ी हैं पहाड़ी हैं पहाड़ी हैं, भाई उन सब के लिए एक बात बोल रहा हूँ, अगर पहाड़ी हो ना तो एक बजे बस असुस के मैं ना घर पे आ जाइए, और सुबह से दो चार दिन जरा काम कर दियो हमारे साथ, खुद पता चल जाएगा कौन पहाड़ी है कैसा होता है पहाड़ी, ठीक है। बहुत पहाड़ी, हर पहाड़ी बंदे को पूछना कि असुस का महीना क्या होता है, क्या काम होता है, तब वो बताएगा तुम्हें कैसा होता है असुस का महीना। तो अब चलेंगे हम नीचे ऊपर वाले मंदिर में जाएंगे, अभी काली माता का मंदिर है हमारा। हाँ, यहाँ पे वहाँ पहले कॉफी लगता था, लगता अभी भी है, जून में लगता है 15 जून को। पहले हम जाते थे, पहले अब तो इतना नहीं रहता, कुछ लोगों को पता होगा कुछ लोगों को नहीं पता, हमारी भाषा में मेला को उसको बोलते हैं हमारा कुंगला कोथिक, उस मेले का नाम है। यहाँ पे बहुत सारे मेले लगते हैं, कुंगला कोथिक लगता है, जंदा देवी का मेला लगता है, वहाँ पोखर खाल का भी मेला लगता है, पर जंदा देवी का मेला, जंदा देवी का वहाँ का बहुत भयंकर ही लगता है। वीडियो में काम करते हुए देख रहे हो खाली वीडियो के। ये कपड़े धो रही है, हमारे मेहमान आ रखे हैं दिल्ली से, वहाँ से तो उनके कपड़े हो रखे हैं, तो ये वीडियो बना के दिखाऊंगा। ये देखिए गांव की नारी सब पे भारी। भाई यहाँ से आ रहा है ये पानी, देख रहे हो यहाँ से आते हुए यहाँ जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है। पहले देख लो चालू तो है ना। हाँ डर लगता है ना। सो अब हमने अपने अपने भी क्या कपड़े धो चुके हैं, इन दोनों ने बड़ी मेहनत करी, और अब हम यहाँ से निकलते हैं। और ये देखो, ये दिखाता हूँ आपको एक चीज़, ये ना इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, छिवतू, ये रहा इसको बोलते हैं छिवतू, ये हाँ ये डेकोरेट करने के काम आता है, देख रहे हो। जब हम छोटे थे तो तब हमको बोला जाता था कि इसके साथ नहीं खेलते, इसको भूत है गांव के। और ये देखो ये यहाँ ऐसी पर, ओए भाई आगे देख के चलना पड़ेगा भाई भाई भाई, भाई, भाई। अरे इससे फोन रख लिया। और ये यहाँ देखो ऐसे पड़े रहते पेड़ों में उगते हैं, आपको समझ नहीं आएगा, अंदर एक बीज होता है उसको खाते बड़ा प्यार होता है।
ये है वो कैक्टस, इसको बोलते हैं कैक्टस। एलोवेरा देखो कितने सारे हैं यहाँ ऐसे ही पड़े हुए। रामदेव बाबा यहीं से तो चुरा के ले जाता है। रामदेव बाबा इसको चुराता है इसलिए इसका नाम हमने रामबास रख दिया था इसको। रामबास। वाह भाई ये सही था। चलो चलो जा रही पीछे से मेहनत करते हुए। अरे ये आपके लिए गिफ्ट गाइस। मस्त व्यू है। ये चीज बताओ तुमको पता भी होगा कितनों को और ना भी पता होगा ये क्या है। ये है गढ़वाली दांतून, ठीक है, इससे दांत मंजन करते हैं। अच्छा। बहुत साफ हो जाता है, बहुत सही चीज है। इससे अगर तुम कुछ उल्टे काम कर रहे हो उसे खाओ, बदबू नहीं आती। तो ये इनने कर चुका है लग रहा है, इनका एक्सपीरियंस है। देख लो भैया वापस को चल रहे हैं हम घर की ओर रवाना। एकदम मस्त लगता है यार इधर आके देखना। मेहनत है भाई। आज डर भी लगता है यार, एक तो सच बताऊं। ये देखो भाई कितने सारे पड़े हैं यहाँ देखो। रेशमा डिस्टर्ब हो रही है। क्या पड़ा है बोलियो? चींटू। चींटू येरा। वैसे इसको बोलते क्या है हिंदी में? देख रहे हो लाइन से सही है यार। दिल्ली में ले जाके बेच दो। ले जाएगा कौन इतना? अरे सही मेरे है ना, बेचते हैं इतना। इसकी वहाँ टिमरू की कीमत पूछो इधर कितनी होती है। टिमरू की? हाँ कितने की होती है? महंगी टिमरू होता है यहाँ से, वो ले जाता है क्या गिलाई? अच्छा वहाँ दिल्ली में पूछना क्या कीमत है उसकी। हाँ गिलाई का तो भाई उसके तो गोलियाँ भी बनती है उधर। हाँ पड़ी रहती हो और यहाँ ऐसी पड़ी रहती है। और दिल्ली में पता है गिलाई कितनी चली थी जब कोरोना फैल रहा था, इतनी बिकी थी भाई क्या बताए। हाँ सही कह रही है। जरा से भी पैर फिसला ना यहाँ कहीं व्लॉग बन जाए मेरा। भाई 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 भाई, भाई। देख रहे हो वाह। अरे पिजरे पिजरे मेरे पहाड़ को सुकून मिला। वो आवाज आती है ना पत्थर में गुर्र करके। सही कह रही, कोई पत्थर के पहले फोन ही फेंक दूं। पता फिर हैंग हो गया पत्थर ना फेंकर फोन। पकड़ियो तो ये दिखाएंगे आपको हम बचपन में क्या करते थे। आवाज सुनना, शांत रहो, आवाज सुनना। नहीं नहीं होएगा, एक और टाइम। हल्का सा हुआ, बड़ा पत्थर चाहिए इसके लिए। ये नहीं हुआ इसमें, इसमें ये इतना ये काट दो, ये बेकार वाला है। सॉरी गाइस, सॉरी माफी चाहते हैं। दिखाएंगे नहीं तुमको करके, लेकिन पहले यहाँ से तो निकल लूं। वही तो देख के चल लेता हूँ भाई, व्लॉग बनता रहेगा। मैं काट रहा हूँ अभी भाई, घर जाके मिलते हैं। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड।